बैराज क्षेत्र में बिजली विभाग के बकायेदारों पर कार्यवाही के विभाग ने ऐसे बकायेदार उपभोक्ता जिन्होंने अपने विद्युत बिल की राशि को जमा नहीं कराया है उनके कनेक्शन काटकर मौके से ट्रांसफार्मर को उठाने की कार्यवाही की गई। विद्युत वितरण के सहायक प्रबंधक मनमोहन सिंह जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के क्षेत्र के गाजीगढ़ गांव में 2.5 लाख रुपए की बकाया राशि होने पर बकायेदारों के कनेक्शन काट मौके से 2 ट्रांसफार्मर को हटाकर बिजली घर में जमा करने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि बकायेदारों को लगातार मौखिक रूप से तथा नोटिस के जरिए कई बार अवगत कराया गया कि आप अपना बिजली का बकाया तुरंत जमा करवा दें ताकि आपको कोई असुविधा न हो, लेकिन बार बार अवगत कराने के बाद भी बकायेदारों ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं दिया, जिसके बाद विद्युत विभाग ने कार्यवाही करते हुए बकायेदारों के यहाँ पहुंचकर उनके विद्युत कनेक्शन को काटा और वहां रखे विद्युत ट्रांसफार्मरों को उठाकर विद्युत विभाग के स्टोर में जमा कराया है। जब तक इन बकायेदारों द्वारा पूरा बकाया बिल नहीं चुकता किया जाता तब तक इनके कनेक्शन अवरुद्ध ही रहेंगे और ट्रांसफार्मर नहीं देंगे। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपके द्वारा जो ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की जा रही है, क्या किन किन ट्रांसफार्मर पर कार्रवाई की जाएगी और ये कब तक चलेगी, क्या कारण है कुछ बता। मार्च महीना अपना साल का वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, जिसमें अपने को जो भी पूरी वर्ष में अपनी वसूली शॉर्ट पड़ रही है उसको करने के लिए अपने को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसी तारतम में हम लोग ट्रांसफार उतार रहे हैं, कैपिंगें बंद कर रहे हैं और जो भी मतलब कुर्की के नोटिस भी जारी कर रहे हैं, बैंक खाते सीज करने की भी कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई पूरी मार्च चलने ही। आज आपने करीब कितने ट्रांसफार्मर बंद किए होंगे? मैंने अभी आज 2 ट्रांसफार्मर उतारे हैं गाजीगढ़ गांव से और दोनों को मिला के लगभग 3.5-4 लाख के करीब बकाया राशि है और मैंने करीबन 15 के करीब गांव बंद कर दिए हैं जिन्हें जो बिल्कुल भी बिल जमा नहीं कर रहा।